अरे यार रात के अंधेरे में चोरी डकैती गप्पा बसा है लफंगेगिरी होती है महाराष्ट्र में पॉकेट मार होती है। अरे वो लोकतंत्र में महाराष्ट्र के राजभवन जिस प्रकार के सुबह खोला गया राष्ट्रपति भवन 5 बजे खोलकर राष्ट्रपति शासन हटाने की बात आदेश आया इस देश में ऐसा भी होता है वो भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए जिसने हमेशा लोकतंत्र की बात नैतिकता की बात लेकिन महाराष्ट्र में हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस प्रकार से जो छल कपट की राजनीति हुई है राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप कितने भी चोरी चपाटे कर लीजिए 30 नवंबर में अगर हिम्मत है तो आप बहुमत सिद्ध करके दिखाएं। विधायक तोड़े बिना सबों ने विधायक तोड़ने की कोशिश होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे जी शरद पवार साहब हम सब अभी बैठे थे 8 विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ 8 विधायक उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं उनको झूठ बताकर लेके गया था कहा एक जगह पे बुलाया गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है आपने देखे होंगे 3 तो आपने देखे वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है मैं बताना चाहता हूँ धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे शायद अजीत पवार भी वापस आएंगे। सर चंद्रकांत पाटिल ने सारा दिया आपको क्या कहेंगे उसमें कहा जा रहा है एक खबर आ रही है कोई बात नहीं है पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। सर आप लोग की तरफ से संभावना बरकरार है सरकार बनाने के लिए भी हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी जो सरकार बनी है सुबह 7 बजे अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र भाजपा से देते काफी नुकसान किया है आपने। राहुल साहब चंद्रकांत पाटिल ने कहा पार्टी का बहुत नुकसान किया है आपने आपको चुप रहना चाहिए शिवसेना का काफी नुकसान किया था उनका कहना है चंद्रकांत पाटिल को शिवसेना प्रमुख बनाया है क्या आपकी पार्टी की सोचो आप खुद की सोचो। अरे पार्टी के आपके पार्टी को बचाओ ये चोरी चोर जैसा बर्ताव जो आप कर रहे हो ना चोर डकैत जैसा वो आपको महंगा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल मुंह संभाल कर बात करिए। राउत साहब भाजपा महाराष्ट्र है राउत साहब भाजपा से नेते दावा करते हैं कि शिवसेना से आमदार संपर्क करते हैं भाजपा से नेते दावा करते हैं कि शिवसेना से 19 आमदार संपर्क करते हैं असं आहे की चंद्रकांत पाटलांसह आमच्या संपर्कात 35 आमदार आहेत भाजपच्या।